चौथा इंपॉर्टेंट स्टॉक, वो अभी हाल फिलहाल का हीरो है, 4 महीने जुम्मा चुम्मा हुए नहीं बाजार में, लेकिन बहुत चर्चा में रहता है राजेश सर, वो है इरीडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इश्यू आया था 32 रुपए पे, दिसंबर में लिस्ट हुआ था, 32 रुपए पे था, तो मेरे ख्याल से वो 31 रुपीज की उस टाइम पे बुक वैल्यू थी, तो वन टाइम पे था, अट्रैक्टिव था, कोई शक नहीं। लिस्ट हुआ सीधे 2 टाइम पे, अपने को वहीं से डर लग गया, ये तो बहुत महंगा हो गया ऐसा लगा, पर वो 2 टाइम वाला 215 तक गया, 60 टाइम्स प्लस की प्राइस टू बुक वैल्यू तक गया, और आज भी जहां खड़ा हुआ है 185-180 के आसपास, मेरे ख्याल से आज भी 5-5.5 टाइम प्राइस टू बुक पे बैठा हुआ है राजेश सर। बाकी सब ठीक है, इसके सिर्फ वैल्यूएशंस को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है। इस देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले वो ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, क्या करना चाहिए राजेश सर इरीडा में? देखिए आपने सही कहा कि देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस एनर्जी है, अगर पीएफसी के बाद देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी है पावर की, चौथी तिमाही की नीति के अच्छे आए, 33% बॉटम लाइन में जम था, 35% एनआई में जम था, लोन बुक करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास आ गई, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं, और जिस तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का नजरिया है, जोर पकड़ रहा है, जिस तरीके से एक्सपैंड केपेक्स हो रहा है चारों तरफ, मुझे लगता है कि इनकी जो बिजनेस है वो अच्छा बना रहेगा। बट जैसा कि आपने कहा वैल्यूएशन बहुत हाई है, 30 टाइम्स अर्निंग्स, 4 टाइम प्राइस टू बुक, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन है, हालांकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये मैं गिरावट में खरीदारी की सलाह दूंगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी इन थिंग है और इनका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, बट थोड़ी गिरावट आई 150-155 के आसपास वहां बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, ठंडा पड़ता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो उस केस में राजेश सर कह रहे हैं 150 के आसपास कोई इरीडा अगर मिल रहा है तो लंबी अवधि के लिए अच्छा अट्रैक्टिव बेट होगा, बेहतरीन प्राइस पॉइंट होगा हमारे आपके एंटर करने के लिए। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार